हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टी एस में मैं टिपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो ये है डुमराव स्टेशन, जहां की ये टिकट काउंटर है। इस साइड जनरल टिकट है, इस साइड रिजर्वेशन है। यहां पर कुछ ट्रेनें रुकती है, ट्रेनें का किराया है। इस साइड है और एक एक्सप्रेस गुजर रही है, वो एक एक्सप्रेस काफ़ी स्पीड से गुजरती हुई दिख रही है, डुमराव से पटना की हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है कि टोटल 18 ट्रेन अप और 18 ट्रेन डाउन में रुकती है। टोटल 36 ट्रेनों का स्टॉपेज है और जो ट्रेनों की गुजरने की संख्या लगभग 150 प्लस ट्रेन यहाँ से गुजरती है। ये फुट ओवर ब्रिज है, इस साइड पूरा मार्केट है, बाज़ार है, खाने पीने की सुविधा इस साइड है। ये एक फुट ओवर ब्रिज है जिससे मैं चलूँगा उस साइड, सब कुछ दिखाऊँगा आपको डुमराव स्टेशन का। तो ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है डुमराव, जो कि आप देख सकते हैं, चार ट्रैक प्लस दो प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन है ये। और इस साइड पूरा खाने पीने की सुविधा, पार्किंग है। इस साइड से आप दाऊद नगर निकल जाइएगा, यानी औरंगाबाद निकल जाइएगा। इस साइड से 1 किलोमीटर आगे यहाँ से फोर लेन है, फुट ओवर ब्रिज सीधे जो है कि पटना बक्सर फोर लेन है, जो कि ओल्ड भोजपुर के नाम से आपको आगे वाला जगह मिलेगा। और ये यहाँ पर लोग वेटिंग कर रहे हैं और आगे में ट्रैक की संख्या बढ़ाई जाएगी इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पर गिट्टी भराई का काम चल रहा है। तो जो ट्रैक की संख्या है वो 4 है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म की संख्या है वो 2 है, फ्यूचर में बढ़ाई जा सकती है। और यहाँ पर गाड़ी लगी रहती है, जहाँ से आपको बिहियाँ के लिए, दाऊद नगर के लिए, सासाराम के लिए, इन सब जगहों के लिए गाड़ी मिलेगी टाइम टू टाइम, हर वक्त नहीं। और ये पटना साइड है, इस साइड जो देख रहे हैं आप, ये पटना साइड है। और ये यहाँ का वेटिंग हॉल, टिकट काउंटर, रिजर्वेशन काउंटर। यहाँ पर अच्छी प्रीमियम ट्रेनें भी रुकती हैं, गरीब रथ है, मुंबई लोकमान तिलक है। इस साइड जो है कि पूरा ओल्ड भोजपुर है, या ये कहें कि 1 किलोमीटर आगे पूरा शहर इस साइड भी बसा हुआ है। और मेन शहर इस साइड है, ये पूरा जो देख रहे हैं आप, इस एरिया में पूरा शहर बसा हुआ है। और ये पूरा स्टेशन का झलक है। तो लाल वाला सेट सब जगह लगभग लगाया जा चुका है। और ये भी है कंस्ट्रक्शन, देखिए यहाँ नया कुछ लगा रहा है। रेलवे की ज़मीन काफ़ी है, अगर ट्रैक की बात करूँ तो आराम से यहाँ ऐसे 6 ट्रैक है, लेकिन ऑपरेशनल जो है वो 4 ही है, 2 पे किसी तरह काम नहीं है। मालगाड़ी लगी हुई है, जो स्लीपर, ओल्ड स्लीपर को चेंज किया जा रहा है, न्यू स्लीपर में कन्वर्ट किया जा रहा है, क्योंकि वंदे भारत और बहुत सारी ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे चेंज की जा रही है। तो मैं जिस साइड चल रहा हूँ वो मुगल सराय साइड है, या बक्सर साइड का हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, उस साइड 2 है, 1 ये पूरा देख सकते हैं आप, कितनी खूबसूरत भी यहाँ का डुमराव स्टेशन है। और मैं बताया आपको कि खाने पीने की सारी सुविधाएं इस साइड मिलती है, यानी प्लेटफॉर्म नंबर 2 साइड मिलेगी। और आगे में मेन रोड है, जिससे आप पकड़ करके आप रोड पे जा सकते हैं, मेन रोड पटना बक्सर फोर लेन पे। सीट का इंतज़ाम अच्छा खासा है, इस चीज़ को आप देखिए, लोग अच्छा खासा से आराम कर रहे हैं। काफ़ी ठंडक है, ठंडक वाला एरिया है। पानी पीने के लिए चापाकल की सुविधा, नल की भी सुविधा है, लेकिन चापाकल इस एरिया में बेहतर है नल के मुकाबले, क्योंकि नल का उपयोग लोग कम करते हैं गाँव देहात में। तो ट्रेनें कम रुकती हैं, 18 रुकती है अप 18 डाउन में, लेकिन मैं बताया कि अच्छी ट्रेनें यहाँ रुकती हैं। तो जिनको सासाराम साइड जाना वो उतर सकते हैं, या फिर सीधे यहाँ से बक्सर है, 15 या 16 किलोमीटर की दूरी पर होगी। और एक वाइट वाइट आपको दिख रहा होगा, तो ट्रैक हो सकता है कि फ्यूचर में बढ़ाया जाए, क्योंकि लग तो यही रहा। ये प्लेटफॉर्म का लास्ट है, उसके बाद हो सकता है फ्यूचर में बढ़ाई जाए लेंथ, क्योंकि मैं फिर से दिखा दूँ कि देखिए ये ट्रैक बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो है कि गिट्टी का भराई का काम काफ़ी दूर तक हुआ है। और ये मेन डुमराव स्टेशन का मेन भाग है। तो एक सर ने बताया कि जो ट्रैक, जो गिट्टी भरा रहा है जहाँ पे, वो माल गोडाउन बनेगा, तो यानी यहाँ पर माल उतरेगी, हो सकता है कि बक्सर से यहाँ शिफ्ट किया जाए। और इस साइड बक्सर है सीधे यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पे। और ये पूरा यहाँ पर देख सकते हैं आप डुमराव, तो काफ़ी खूबसूरत स्टेशन है। तो अभी प्रेजेंट में बात करूँ तो यही डुमराव का सेटअप गेटअप है, जो आपके सामने है। अभी भी इस साइड रेलवे की जगह है, अभी फ्यूचर में ट्रैक होगा जो इसे रिप्लेस करके यहाँ बढ़ा दिएगा। तो आराम से ट्रैकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है 6 से 8, और प्लेटफॉर्मों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, अभी 2 है, तो इन फ्यूचर 4-6 किया जा सकता है। वो रास्ता है जिससे आप, मैं फिर से बता दूँ, बिहियाँ जा सकते हैं आप, रघुनाथपुर जा सकते हैं आप। ऐसे फोर लेन से जाना ज़्यादा बेहतर, लेकिन गाड़ियाँ चलती हैं और खाने पीने की सुविधा इसी साइड है। ये सारा मैं घुमाया आपको, वेटिंग हॉल 3-4 साइड है। इस साइड जो है कि प्लेटफॉर्म का एंड है, यानी पटना साइड। तो यही एक छोटा सा अपडेट था डुमराव स्टेशन का, जो कि मैं अपने माध्यम से कुछ दिखाने की कोशिश किया बिहार के एक एक स्टेशन को और इंडियन रेलवे को। तो फिर मैं किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूंगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।